हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग एडमिशन हेल्प। सो आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो आपने सबसे ज़्यादा कमेंट किए हैं। हमने उनका रिप्लाई दे चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं ताकि हम आपके हर क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सके। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, भैया अगर हमें ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड टू में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और हमने उधर एडमिशन ले लिया तो भी क्या फिजिकल काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप किसी भी कॉलेज में किसी भी ब्रांच, चाहे आपको राउंड वन में मिले चाहे आपको राउंड टू में मिले, आप चाहे वो ब्रांच ले चाहे ना ले, आप उसके बाद भी फिज़िकल काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ आपको फिज़िकल काउंसलिंग में अप्लाई करना ही चाहिए, इससे आपको एक बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज मिल सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिज़िकल काउंसलिंग फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम ही होगी क्या? देखिए, इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना होए। फिज़िकल काउंसलिंग एक अलग चीज़ है, फिज़िकल रिपोर्टिंग एक अलग चीज़ है। फिज़िकल काउंसलिंग एक काउंसलिंग है जो हर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कराती है, HSTS की काउंसलिंग पूरी हो जाए उसके बाद। और फिज़िकल रिपोर्टिंग आपको HSTS में भी करनी होगी, जब आपको ब्रांच अलॉट होगी तो उसके बाद आप एक दिन दिया जाएगा, उसमें आपको कॉलेज में जाना है और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के फ़ीस देनी है अगर आपको वो ब्रांच चाहिए तो। नहीं तो आप कुछ मत करिए, आपको ब्रांच अपने आप कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई सीट ना मिले तो फिज़िकल काउंसलिंग में जा सकते हैं क्या? यस, आप बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, फिज़िकल ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको कोई सीट मिले चाहे ना मिले, आप ले चाहे ना ले, आप फिज़िकल काउंसलिंग में ज़रूर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऑनलाइन में मान लो डीक्रेस में सिविल मिल जाता है तो मुझे YMC में मैकेनिकल चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, अगर आपको ऑनलाइन में सिविल मिल जाता है और आप चाहते हैं कि मैं एक बैकअप प्लान रखूं कि मेरी सिविल ब्रांच तो रहे डीक्रेस्ट में, वो तो कैंसिल ना हो, तो आप उसमें आके एडमिशन ले लीजिए, फ़ीस पे कर दीजिए। देन अगर आपको YMCA में फिर फिज़िकल काउंसलिंग में अप्लाई कीजिए YMCA में, अगर आपको उसमें आपकी पसंदीदा ब्रांच मिल जाती है तो आप यहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा के अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड ही कर सकते हैं बस? देखिए, सेम कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आपको मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपने डीक्रेस्ट में ECE मिल ले ली है, ऑनलाइन में मिल चुकी है आपको ECE डीक्रेस्ट में, और आपको जाना है CSC में, तो आप ऑनलाइन में वो जो ECE मिली है उसको फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम आए, जो भी आपको स्लॉट दिया जाएगा उसमें फिर आप फ़ीस पे कर दीजिए तो वो आपकी सीट बुक हो जाएगी, आपको उसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फिर आपको CSC में जाना है तो आप फिज़िकल काउंसलिंग में अप्लाई कीजिए, फिर फिज़िकल काउंसलिंग में आइए, और आपको अगर CSC मिलती है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी ECE तो रहेगी, और अगर CSC मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन फ़ीस रिफ़ंड कुछ टाइम बाद होती है, तुरंत नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फ़ीस ट्रांसफ़र भी नहीं होती, अगर आप सेम कॉलेज में सेम ब्रांच अपग्रेड करवा लेते तो भी फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं होती, उसके लिए आपको अलग से फ़ीस पे करनी ही पड़ेगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिज़िकल काउंसलिंग में एक ही दिन में कॉलेज मिल जाएगा कि? यस, एक ही दिन में आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप एक ही दिन दिया जाएगा आपको, फिज़िकल काउंसलिंग में आइए, अगर आपकी रैंक के अनुसार आपका नंबर आता है तो आप ब्रांच बताइए अपनी, अगर जो भी अवेलेबल हो वो आपको मिल जाएगी, आप फ़ीस पे करिए तुरंत आपका एडमिशन हो जाएगा बस। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई वहाँ पे 3 रोल नंबर आ रहे हैं, फिर कैसे क्या करना है? सो HSTS में ये प्रॉब्लम बहुत को आ रही है कि उनके यहाँ पे किसी के 2 रोल नंबर आ रहे हैं, किसी का 1 आ रहा है, किसी के 3 आ रहे हैं। सो ये सारे रोल नंबर्स, जिसका 1 आ रहा है वो सिर्फ आपकी जनरल कैटेगरी का नंबर है, सो जिसके 2 या 3 रोल नंबर आ रहे हैं वो आपकी कैटेगरी के रोल नंबर हैं, लाइक EWS और ट्यूशन फी वेरियल एंड थर्ड जनरल। सो ये 3 रोल नंबर्स आ रहे हैं, आप चाहे तो तीनों से भर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ आप तीनों से ही भर दीजिए, फिर जो इस ब्रांच में भी जो भी सीट अवेलेबल होगी जिस कैटेगरी में भी वो आपको मिल जाएगी, अगर जनरल में अवेलेबल होगी जनरल में मिल जाएगी, नहीं तो आपकी एक कैटेगरी में मिल जाएगी। सो इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको सीट मिलेगी मिलेगी। सो डैट्स ऑल, आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। सो थैंक यू एवरीवन।